Class 6. Today I'm going to teach you feature and movement of the earth and their effect. Effect कहते हैं कि उसके असरात को, ठीक है, कि अर्थ का जो है वो अर्थ की हरकत कैसी है, अर्थ की मूवमेंट कैसी है. देखें, अर्थ जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है या वो एक स्टिल प्लैनेट नहीं है. अर्थ में मूवमेंट है, ठीक है. अर्थ एक जगह रुकी नहीं रहती, एक शेप की नहीं, मतलब शेप तो उसका जो है वो है, लेकिन अर्थ क्या है, वो मूव करती है. जिससे इफेक्ट क्या होता है, हमें दिन मिलता है, हमें रात मिलती है, हमें सर्दियाँ मिलती हैं, हमें गर्मियाँ मिलती हैं, हमें जो है वो सूरज ग्रहण, हमें जो है वो सूरज ग्रहण देखने को मिलता है, हमें जो है वो चांद ग्रहण देखने को मिलता है, सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, ठीक है. तो ये सब जो है, ये सब कुछ किस वजह से होता है, कि ये सब कुछ अर्थ की वजह से होता है, ठीक है, अर्थ की मूवमेंट की वजह से. चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो, वो किस वजह से होता है, अर्थ की वजह से होता है. एक तो देखें, हमारा जो है वो स्टार है. स्टार क्या है, वो हमारा सन है, ठीक है. स्टार क्या है, हमारा सन है. सन जो है वो स्टिल है, एक जगह पर रुका हुआ है, और उसके अराउंड जो है वो कुछ प्लैनेट्स, कुछ जो है वो स्टार्स और जो पत्थर हैं, ठीक है, पत्थर जो है वो बहुत सारे जमा हुए हैं. और वो जैसे मैं आपको अगर जैसे पूरे खला है, आप इस तरह समझ लीजिए कि पूरा एक कमरा, जैसे आप कमरे के एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, इस कमरे को आप समझ लीजिए कि ये पूरा स्पेस है. स्पेस कहते हैं खला को, जिस जगह पे जिसको आप खला कह सकते हैं, आसमान जिसे हम कह सकते हैं, जैसे पूरी कायनात जहाँ बनी है, पूरा एक कमरे की तरह से पूरी वो जगह है. अब उस कमरे के अंदर एक जो है वो बल्ब लगा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आप एक समझ लीजिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ छोटी सी. आई होप मैं इस टाइम खोल सकूँ वो वीडियो. थैंक गॉड. This one. Day and night cycle. Hi, my friends, and don't you want to know? Trip and explore this wonder of the universe. We will learn that day and night cycle is a natural phenomenon that takes place on the Earth. Planets in the solar system are in constant motion. You see here. जी जनाब, तो आप ये देख सकते हैं कि बीच में एक सन बना हुआ है.